हेलो दोस्तों, मैं सोनम, ज्ञान दर्शन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। पहले मैं 25 क्वेश्चन करा चुकी हूँ, जिसमें 75 क्वेश्चन हो गया। आज 76 कराना है। आज भी मैं 25 क्वेश्चन कराऊंगी, जिसमें आज क्वेश्चन की संख्या 100 हो जाएगी। ये मैं आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री से करा रही हूँ, और दो चार वीडियो और बनेगा, मॉडर्न हिस्ट्री फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मैं साइंस या भूगोल देखती हूँ, किस चीज़ का वीडियो बनाती हूँ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आप देखते हैं 76 क्वेश्चन, 76 यानी क्वेश्चन 76 नंबर का क्वेश्चन है। वैसे मैं 25 ही देती तो नंबर वन करके बोलती हूँ। इसमें बोल रहा है कि निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था। कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922, या इलाहाबाद अधिवेशन 1921, या लखनऊ अधिवेशन 1916। तो यह था कलकत्ता अधिवेशन 1917। सबसे पहले एक महिला को अध्यक्ष चुना था, वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। आप लोगों को पता ही होगा। निम्नलिखित में से किसने बम्बई बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? एक तो किसे लालबाल पाल के नाम से जाना जाता है, उसी तरह ये त्रिमूर्ति किसे कहते हैं? तो वह थे मेहता, तेलंग और तैब जी। लालबाल पाल यानी वो बिपिन चंद्र पाल थे, और बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक और लालबाल पाल लाला लाजपत राय, सॉरी मैं भूल गई थी। तो ये जो था आपका, ये लालबाल पाल थे, त्रिमूर्ति में आपका मेहता, तेलक, तैब जी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे? बिपिन चंद्र पाल, बीजे तिलक, लाला लाजपत राय या जी के गोखले? ठीक है, तो वो थे जी के गोखले। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं? दादा भाई नरोजी, अबुल कलाम आज़ाद, या गोपाल कृष्ण गोखले, या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो वो थे आपके अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और सबसे कम एज के मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले भी नेता जो थे वो आपके अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बतलाया है? लाहौर में, इलाहाबाद में, रामगढ़ में या लखनऊ में? वो है लखनऊ। ठीक है, अब आ रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार के नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? सब कोई को पता है, मोहम्मद अली जिन्ना, रामेश्वर सिंह, शंकर नायर या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? बेमचंद्र या गोपेन चक्रवर्ती, सचिंद्र सन्याल या गोपेन चक्रवर्ती, फणीन्द्र बनर्जी, धरणी गोस्वामी, बेओम चंद्र बनर्जी, अजय घोष, सचिंद्र सन्याल? ये थोड़ा क्वेश्चन जो है ना, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे, ये UPPCS में एक बार पूछ चुका है, तो ये क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है, रिपीट हो सकता है, क्योंकि हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होती, तो क्वेश्चन उसी में से पूछते रहता है। तो इसमें देखते हैं, यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फणीन्द्रनाथ घोष जो थे, इन्होंने हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की स्थापना की थी। प्राथमिक अंतिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 25 अगस्त 1946 को, 24 अगस्त 1946 को, 23 अगस्त 1946 को या 22 अगस्त 1946 को? तो वो था 24 अगस्त 1946। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उसके कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें दिया हुआ है कुछ, थोड़ा सा ये हार्ड है, लेकिन मैं बता देती हूँ आप लोग के लिए। ये गदर पार्टी की स्थापना, चट्टगांव शस्त्रागार की छापा, या बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी की स्थापना? तो इसमें जो सबसे पहले स्थापना जो हुआ था गदर पार्टी का, उसके बाद आ जाता है आपका बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी की स्थापना आ जाता है, उसके बाद आपका आ जाता है केंद्रीय असेंबली बम कांड आ जाता है, और उसके बाद आता है चटगांव शस्त्रागार छापा, वो सुरेश सेन जो किए थे वहीं। निम्नलिखित घटनाओं को पर विचार कीजिए और उसे कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। एक और आ गया घटनाक्रम, सरदार अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन का गठन, डांडी मार्च। तो इसमें सबसे पहले साइमन कमीशन का गठन हुआ था, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, और उसके बाद जो है सरदार अधिनियम, और उसके बाद जो आया था दांडी मार्च। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्षणा
सॉल्ट वर्कर्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार पत्र दिया था। तो ये हो जाएगा लुई फ्रांसिस लुई मार्क टूली फिलिप एस्प्रेट बेब मिलर, तो वो थे बेब मिलर। तो इसमें दो है, दो से कन्फ्यूजन होता है। एक तो 42 में विदेशी पत्रकार आया था जो महात्मा गांधी के बारे में लिख रहा था, और एक ए बेब मिलर थे। ये सत्याग्रह के समय 1930 के समय थे, दांडी मार्च के समय, ठीक है, सॉरी, हाँ दांडी मार्च। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षडयंत्र के मामले में शामिल नहीं था? मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, एम ए अंसारी। तो वो जो थे एम ए अंसारी थे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में बायोकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। एक और दो दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है थोड़ा कथन कारण पर था, तो ये बीपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये हालांकि एक बार यूपीपीसीएस में पूछ चुका है, ठीक है। निम्नलिखित नेताओं में से जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है, फिर व्यवस्थित करना है। साइमन कमीशन आयोग की नियुक्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, फिरोजशाह मेहता की मृत्यु। तो सबसे पहले फिरोजशाह मेहता की मृत्यु हुआ, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, उसके बाद साइमन आयोग की नियुक्ति की गई, उसके बाद हमारा महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हुआ था, ठीक है। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। जाहिर से बात है महात्मा गांधी। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? भगत सिंह, या विनायक दामोदर सावरकर, या वरेंद्र कुमार घोष, या पुलिन बिहारी। तो वो थे विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया? एम ए जीना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो वो थे एम ए जीना। मोतीलाल नेहरू और शियर दास द्वारा वर्ष 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? इंडिपेंडेंस पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, इंडियन नेशनल पार्टी। वो था स्वराज पार्टी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? अभी एक बार ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न जो है वह चेंज हुआ है, ठीक है। रॉलेटेक, ज्वालियांवाला बाग जनसंहार, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन। तो वो था जलियांवाला बाग जनसंहार के समय, जनसंहार। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली जीना और शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद और रफ़ी अहमद किदवई और शौकत अली। तो वो थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? लाल कुर्ती, रेड शर्ट, क्विट इंडिया, खिलाफत आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं। तो वो था लाल कुर्ती। आगे बढ़ते हैं, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से यह किसका वक्तव्य था? सुरेंद्रनाथ मुखर्जी का, आरसी दत्त ने, दादा भाई नौरोजी का, या गोखले का? तो ये था दादा भाई नौरोजी का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? वो था नागपुर अधिवेशन, या गया अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, या लखनऊ अधिवेशन। तो वो हो गया आपका नागपुर अधिवेशन। आगे बढ़ते हैं, भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बंकिम मुखर्जी, जयप्रकाश नारायण। तो ये थे स्वामी सहजानंद, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किस में महात्मा गांधी उपस्थित हुए थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर आपको आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। आज 25 क्वेश्चन आपका हो गया, यानी टोटल क्वेश्चन 100 हो गया। दो चार वीडियो और बनाएंगे जिससे आपका मॉडर्न हिस्ट्री भी फिनिश हो जाएगा। आप अपने को देख लीजिए, आपका 17-18, अगर 20-22 आपका क्वेश्चन सही जाता है तो बहुत अच्छे हैं, और नहीं जा रहा है 15 से नीचे है, या 15 से ऊपर है, 16-17 है, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, और आप अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का
वेटेज सभी एग्जाम्स में ज़्यादा होता है, खासकर दरोगा, बीपीएससी या बीएसएससी जो भी है जिसमें पूछता है, कांस्टेबल वगैरह सभी में ये जो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा होता है। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ और थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो मैं कल डाल दूँगी, कल मैं इसका डालूँ या मॉडर्न हिस्ट्री का मुझे भी डालना है, क्योंकि पहले मैं मेडिवल तक पढ़ा चुकी हूँ, तो मॉडर्न हिस्ट्री नहीं मेडिवल शायद पढ़ाना है, और मेडिवल का तो 7-8 वीडियो मैं क्विक रिवीजन करा रही हूँ। प्राचीन इतिहास करा चुकी हूँ, मध्यकालीन इतिहास कराना है और आधुनिक इतिहास क्विक रिवीजन करा के आप लोगों को समाप्त करेंगे। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए।